शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा और कामदा एकादशी व्रत की पूरन पूजा विधि और कामदा एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। बंधुओं, कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। जो मनुष्य भी कामदा एकादशी का व्रत करते हैं या फिर कामदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी कामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी कामदा एकादशी का व्रत करते हैं या कामदा एकादशी की कथा को सुनते हैं, उन्हें वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु चैत्र मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बंधुओं, कामदा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और थोड़े से फूल लेकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान के समक्ष कहें कि हे भगवान विष्णु, मैं अपना नाम लें, गोत्र बोलें, अपने शहर का नाम लें, कामदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा बोलकर मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करें और मेरी मनोकामना पूरी करें, ऐसा कहकर वह जल भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें, भगवान को फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं, भगवान की आरती करें और सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिता दें। भगवान विष्णु की कथा सुने, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुने, गर्भ गीता सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, अर्थात पूरा दिन भगवान विष्णु की कथाओं के श्रवण में नाम जाप में बिताएं। बंधुओं, रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सारी रात हो सके तो जागरण करें। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी बाल ना धोएं और ना ही नाखून काटें। कहते हैं यदि आप बाल धोते हैं, बाल बनाते हैं, तो जितने भी बाल झड़ते हैं उतने ही आपके पुण्य कर्म झड़ते हैं। सो बंधुओं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपके बाल ना झड़ें। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, हो सके तो घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी ना करें, साथ ही चावल तो भूल कर भी ना खाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कामदा एकादशी व्रत कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम महात्म पूजा विधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई
वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, रतनपुर नाम के एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। उससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान, भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोच रही थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे, राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी कामदा एकादशी व्रत का संकल्प मात्र भी कर लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जिसने एक बार भी इस व्रत को कर लिया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञों से मिलता है, वही कामदा एकादशी व्रत से मिल जाता है। सभी पापों को हरने पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस कामदा एकादशी की महिमा बहुत ही अनंत है। बंधुओं, कामदा एकादशी के दिन भगवान को पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्प अर्पित करें। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गऊओं के दान का फल पा लेते हैं और जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। चैत्र मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें और कामदा एकादशी व्रत कथा को सुने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।